वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर ऑफ सेट थ्योरी। आई होप सो पहले थे दो लेक्चर आप लोगों ने देख लिए होंगे वेल राइट यू लर्न अबाउट द सेट थ्योरी, व्हाट इज सेट, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट सेट्स, राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट एंड उसके बेस पे राइट हमने क्वेश्चन भी किए एंड उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कर लिया था दैट इज सबसेट। याद है ना सब तो राइट तो मुझे जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में कि कोई भी एक सेट है राइट तो अगर उसका हमें नंबर ऑफ सबसेट चाहिए तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इट। राइट मुझे नंबर ऑफ सबसेट चाहिए कोई भी सेट का तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डालो। राइट उसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा आज का राइट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पावर सेट। ठीक है हाँ, और ये वीडियो प्लीज लास्ट तक बहुत अच्छी तरह देखना बिकॉज आज के लेक्चर में जैसे प्रीवियस वन में एक जेडब्ल्यू का क्वेश्चन हमने कर लिया था वैसे आज भी हम जेडब्ल्यू का क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको पता चले जेडब्ल्यू में कैसे क्वेश्चन आते। हाँ ये थोड़े से पुराने क्वेश्चन है बट हाँ जेडब्ल्यू इजी है बेटा, अगर आप रेगुलरली प्रॉपरली राइट परफेक्टली मेथड के साथ जाओ तो जेडब्ल्यू तो ये टफ नहीं है। ठीक है तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक बेटा सेट थ्योरी पावर सेट। What do you mean by power set, beta? The collection of all subset of a set A is called the power set of A. Take an example. तो आप अच्छी तरह समझ में आएगा बेटा. Say A is a set 1, 2. Right? तो जो भी आपके पास set हो उसके subset पहले तो निकाल लें. All subset. Right? Do we know it, beta? It is a two element, right? So total 2^2 मतलब 4 इस तरह subset होंगे, right? कौन-कौन से subset होंगे बेटा? That is one of the 5, right? That we know it. Another one, single वाले बेटा, 1, and second one is 2, correct? And the last one that is 1, 2. Done, right? तो ये जो चारों में subset मिले, अगर उसको मैं set में डाल दूँ राइट जो भी हमें सबसेट मिल रहे कोई भी सेट का आप उसको सेट में डाल दो तो उसको बोला जाता है पावर ऑफ ए। क्या बोला जाता है बेटा? पावर ऑफ ए इट इज डिनोटेड बाय पी ए। सिंपल मतलब जो हमने सबसेट निकाला वैसा ही है तो ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सबसेट तो हम एज इट इज लिखते थे बट जो पावर ऑफ अ सेट है बेटा राइट तो जो भी आपको सबसेट मिल रहे हैं उसको वापस सेट में डाल दो दैट इज योर पावर ऑफ दैट सेट। क्लियर सो इजी बेटा राइट। और अगर इसका फॉर्मूला पूछूं मैं राइट तो भाई कितने अगर ये सेट है 1, 2 राइट तो टोटल नंबर राइट ऑफ पावर सेट कितने होंगे, इट मींस द नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए हाउ मेनी एलिमेंट्स मतलब टोटल नंबर कितने होंगे तो आप डेफिनेटली बोलोगे बेटा 4। तो कहां से आया बेटा? वही वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में डालने के लिए बोला बट दैट इज 2^n n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, पावर सेट पे भी उतने ही नंबर होंगे। सो इजी बेटा क्लियर। सो से सपोज यहां पे 3 एलिमेंट होते राइट तो 2^3 मतलब 8 सबसेट होते बेटा उसका वापस सेट में डाल दो दैट इज पावर ऑफ ए। और नंबर पूछे तो वही जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है वही नंबर ऑफ पावर ऑफ ए होंगे राइट तो ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। क्लियर एनी कंफ्यूजन? ओके बेस्ड ऑन दैट पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5। अगर कोई भी एक सेट मतलब वो कौन सा है नल सेट हो अगर राइट तो उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे राइट मतलब n ऑफ p ऑफ a कितना होगा राइट अगर पावर सेट मतलब जो सेट है वो नल हो, नल सेट का आंसर बताना है राइट जल्दी से कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे आंसर डालेंगे राइट। चलो चाहो तो मैं आपको चॉइस भी दे सकता हूं से 0 राइट से 1, 2 राइट या 4। चलो चार ऑप्शंस भी मैंने आपको दे दिए, ट्राई करो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डालो। ओके राइट तो चेक करते हैं आपका आंसर बेटा
ए क्या है, नल सेट, राइट, नल मतलब फाइव, राइट, तो हम सब सेट निकालेंगे तो भी क्या आएगा, फाइव भी तो हमें पता है बेटा, राइट, जो भी मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया था, कोई भी नंबर हो उससे दो फैक्टर होते हैं, वन एंड इट सेल्फ, है कि नहीं, वैसे ही बेटा अगर वन की बात करें तो वन थूकता ही फैक्टर होता है, मतलब वो वन ही रहता, वैसे ही बेटा जो फाइव है, राइट, वो सारे कोई भी सेट हो, दिवन सेट हो, उसका सबसेट होगा, बट अगर थूक की बात करें तो थूक का भी वो सबसेट होगा, बट वो इंडिविजुअल वन ही रहेगा और कोई होगा नहीं, ठीक है, मतलब ए जो अगर नल सेट हो बेटा, राइट, तो अगर मैं उसका सबसेट निकालू तो भी वो क्या आएगा बेटा, नल, ए ही सबसेट आएगा। अब जैसे मैं उसको सेट में डाल दू, मतलब कर्ली ब्रैकेट, तो वो क्या बन जाएगा, पावर ऑफ ए बन जाएगा बेटा। व्हाट आई टोल्ड हियर बेटा, पहले आपको सारे सबसेट लिखने, ठीक है, उसको सेट में डाल दो, दैट इज पावर ऑफ ए, राइट, यहां पे वन टू थे इसलिए हमें ये तीन भी मिले, अगर ये खाली ब्रैकेट होता, मतलब खाली डब्बा, कुछ नहीं, राइट, या हम उसका ऐसे भी नल सेट तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना बेटा, या फिर ऐसा लिखो, ठीक है, तो उसका सिर्फ ये होगा फाइव, मैं उसको सेट में डाल रहा हूं, मतलब वो क्या बन जाएगा, पावर ऑफ ए, तो कितना दिख रहा है यहां पे, वन एलिमेंट, मतलब करेक्ट आंसर इज वन, क्या आंसर होगा बेटा, वन, मतलब एक फैक्टर तो होता ही है वन का, मतलब खुद बोलो या वन बोलो, है ना, पूरा जीरो नहीं होता बेटा, वैसे यहां पे सबसेट जो नल सेट है उसका वन तो होता ही, दैट इज फाइव, वही था वही, राइट, उस हम सेट में डाल दो तो एलिमेंट के रूप में बन जाएगा, है कि नहीं, क्लियर, एनी कंफ्यूजन बेटा, ओके, अनदर वन थिंग, दूसरा शुरू करने से पहले बेटा, जो ये नल सेट है फाइव, राइट, वो एक सेट है, राइट, तो आप उसको ऐसा नहीं लिख सकते कि ये भी यही नल सेट है, नो, इट इज नॉट अ नल सेट, सेट तो हमने वापस सेट में डाल दिया पावर ऑफ ए के करने के लिए, ठीक है, तो इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होना, राइट, कि भाई ये नल सेट है, नो, क्लियर फंडा, ओके, राइट डाउन, उसके बाद हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं बेस ऑन पावर सेट, क्वेश्चन आपके सामने है, राइट, वीडियो तो पॉज करो, ट्राई करो और आंसर कमेंट बॉक्स में डालो, बट हाँ, ईमानदारी से बेटा, आपका जो भी आंसर आया आप वही डालोगे, राइट, सॉल्यूशन देखने के बाद आंसर प्लीज मत डालना, ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन, ओके, लेट्स वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, आई होप सो सबने वो ट्राई कर लिया होगा, तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, मोस्ट ऑफ द आंसर जहां तक मुझे लग रहा है फोर आया होगा, 2 raise to power 2 मतलब 4, ठीक है, बट क्या वो सही आंसर है, नहीं, क्यों, बिकॉज क्वेश्चन में क्या दिया था बेटा, वो समझो, जो आपको सेट ए गिवन है 1, 2, ठीक है, अब आपने डायरेक्टली यहीं पे देख लिया पावर सेट, राइट, मतलब आपने इसका पावर सेट निकाल लिया, मतलब पहले सबसे पहले आपने इससे सबसेट निकाला, दैट इज 5, देन 1, then 2 and then 1, 2, ठीक है, उसको सेट में डाल दिया, मतलब ये बन गया पावर ऑफ ए, या तो मैं डायरेक्टली बोलूं द नंबर ऑफ पावर ऑफ ए जो आपने निकाल लिया 2 एलिमेंट है, मतलब 2 raise to power 2 मतलब 4, यहां का रास्ता सही है, राइट, बट क्वेश्चन में सिर्फ इतना नहीं पूछा था बेटा, क्वेश्चन में ये पूछा है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट, मतलब और एक स्टेप आगे पूछ लिया है उन्होंने, राइट, उन्होंने सिर्फ पावर सेट, मतलब अगर यहां पे ये नहीं होता सबसेट वर्ड, राइट, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, राइट, तो आपका आंसर 4 सही होता, बट यहां पे क्या पूछ लिया है बेटा, द नंबर ऑफ सबसेट, मतलब जो भी आपको ये पावर सेट मिला है उससे भी क्या फाइंड आउट करने, सबसेट, मतलब यहां पे हमें एलिमेंट इससे कितना मिले बेटा 4, टोटल 4 एलिमेंट है 4, राइट, उससे भी सबसेट, तो सबसेट का फॉर्मूला क्या बेटा, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या बेटा, मैं पता है ना, 2 raise to power n, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहां पे जो पावर ऑफ a है उसका मुझे सबसेट फाइंड आउट करना है, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ pa, राइट, तो टोटल कितने एलिमेंट है बेटा 4, मतलब 2 raise to power 4, मतलब आंसर कितना आ गया 16, मतलब करेक्ट आंसर इज 16, समझ में आया मैंने क्या बोला था, राइट, क्वेश्चन अभी मैं लेवल अप करने वाला हूं, राइट, नंबर ऑफ
टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। एक ही टाइप के क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस हम वीडियो में नहीं करेंगे, वो तो हम रेगुलर क्लास में भी करेंगे, आप घर पे भी कर सकते हो। हर एक टॉपिक के बाद में आपको डीपी भी दे रहा हूं, राइट, स्क्रीन पे भी आपको क्वेश्चन आ रहे, वो एक ही टाइप का क्वेश्चन है, वो आप इजिली कर पाओगे, राइट। हम ज्यादा से ज्यादा अलग अलग टाइप के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट, वो हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। और एक मजेदार क्वेश्चन अभी भी इससे ऊपर है बेटा, पहले लिख लो फिर वो क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं, है ना। ओके, और एक मजेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। हाँ, एक चीज, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले बेटा, क्वेश्चन में बोल रहा हूं एवरी स्टेप, राइट, हर एक क्वेश्चन में मैं लेवल अप करता जाऊंगा, राइट, सारे इजी क्वेश्चन मैं नहीं देने वाला, बिकॉज मैंने बोला वीडियो में हमें नंबर ऑफ टाइप्स, ज्यादा से ज्यादा टाइप के क्वेश्चन के मैं प्रैक्टिस कर लेनी है। हाँ, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे सर अभी तो थर्ड लेक्चर है सेट का, राइट, और अभी से आप, बट बेटा अभी से आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे तो लास्ट में आपको ट्रबल नहीं होगा। सोचो आपने टेंथ में ही टेक्स्ट बुक पहले जल्दी से करते, फिर रेफरेंस बुक, राइट, पहले से अच्छी तरह कर ली होती तो लास्ट में टेंशन होता नहीं होता, राइट। सिमिलरली इसलिए अभी से थोड़े से, हाँ, माइंड भी अगर ट्रबल हो तो बात नहीं, बिंदास दो बार तीन बार इसको समझना, फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे कॉल करना, मैसेज करना, बट क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं बेटा, राइट, जब तक आपको समझ में नहीं आता। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको यहीं पे समझा दूं, राइट, 100%, बट फिर भी अगर कुछ भी डाउट रहता है बिंदास आप मुझे कॉल कर सकते हो, राइट, तो हेजिटेशन रखना नहीं है। क्वेश्चन एक लेवल अप है, बहुत दिमाग चलाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, उसके बाद ही आंसर डालना। तो पहले फिर भी आपको मैं क्वेश्चन समझा दूं बेटा, ये और तो था मैंने लिखा हुआ है, राइट, अगर कोई भी एक सेट हो, फाइव मतलब नल सेट हो, ठीक है, तो पावर ऑफ दैट नल सेट, उसको अगेन पावर में अगर ऐसा तीन बार पावर में आए तो फाइनल नंबर हमें कितने मिलेंगे, मतलब द नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ फाइव, राइट, और यहां पे मतलब ए है तो आप यहां पर ए भी मैं आपको लिख सकता हूं, चलो, गॉट इट, क्वेश्चन समझ में आया, राइट, द नंबर ऑफ एलिमेंट, राइट, ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ फाइव, ये आपको फाइंड आउट करना है, और आपके सामने ऑप्शन है 0, 1, 2 एंड 4, लेट्स चेक इट आउट किसका सही होता है, ट्राई करो। ओके, आई होप सो सबने आंसर डाल दिया होगा, तो लेट्स चेक इट आउट किसका आंसर सही होता है। अगर ये आंसर सही हो गया ना बेटा, मतलब आपका बेड़ा पार हो गया, ठीक है, मतलब आपका लॉजिक डेवलप होना अभी से शुरू हो गया। बट हाँ, जिंदा गलत आया तो ही बात नहीं, इट्स स्टार्टिंग, अभी तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, राइट, आफ्टर वन ईयर जब मैं पूछता हूं तब अगर आपको नहीं आता है तो ट्रबल होता है, अभी नहीं तो टेंशन नहीं लेना है, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इसको समझाने से पहले एक क्वेश्चन एक चीज मैं बताऊंगा, राइट, अगर आपको याद हो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं एक दूसरे से, मतलब जो फ्रेंड होते हैं, मस्ती मजाक में जब भी बर्थडे होता है, राइट, तो एज अ गिफ्ट के रूप में आपने देखा होगा, राइट, कई बार मतलब एक छोटी चीज उनको देनी होती है तो वो एक बड़ा बॉक्स होता है, राइट, जो भी जिसका भी बर्थडे है जब वो ओपन करता है बड़ा सा बॉक्स होता है, जैसे उसको ओपन करता है उसके अंदर और एक बॉक्स होता है, जैसे उसको ओपन करता है उसके अंदर बॉक्स होता है ना, सिमिलरली अंदर 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 लास्ट में निकला कुछ नहीं, खाली डब्बा, राइट, ऐसे भी मस्ती मजाक करते होंगे आप लोग, राइट, तो वैसा ही यहां पे है, ठीक है, तो उसी के बेस पे हम चाहेंगे तो आपके दिमाग में इमीडिएटली वो बैठ जाएगा। सबसे पहला मेरा, राइट, ए है वो क्या बेटा, फाइव सेट है, मतलब नल सेट, तो हमने पहले ही मैंने वो क्वेश्चन दिया था यहां पे आपको याद हो बेटा, द पावर सेट ऑफ ए, वेयर ए इज द नल सेट, सिर्फ इसका आंसर बताओ तो क्या आएगा बेटा, फाइव, उसको सेट में डाल दिया है, दे नहीं, ये हमने पहले पढ़ा, और उस टाइम मैंने बोला भी था इससे नंबर अगर मैं फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए तो कितना होगा बेटा यहां पे 1, ठीक है, एक तो है, डन, कोई कंफ्यूजन बेटा यहां तक, गुड, वेरी नाइस। अब ये है हमारा सेट, चलो इसको मैं थोड़ी देर के लिए बी सेट ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं बेटा, बी सेट, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इस वाले को मैं ले रहा हूं बी सेट, प्लीज अच्छी तरह समझना बेटा।
अंदर अंदर है इसलिए। अब मैंने इसको बी सेट ले लिया, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पावर ऑफ बी सेट। ये है मेरे पास बी सेट, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, ये जो मेरे पास सेट है अगर उससे सबसेट में निकालूंगा उससे बाद में पावर ऑफ बी निकाल सकता हूं। पावर ऑफ बी मतलब जो भी बी सेट है उससे सबसेट, उस समय वापस सेट में डाल दूं, मतलब वो क्या हो जाएगा, पावर ऑफ बी। डन, ठीक है। अब तो मेरा क्वेश्चन ये है बेटा कि कोई भी एक सेट हो, कोई भी हो, अब भूल जाओ कि यहां पे आपको कुछ भी दिख रहा है, एक सेट है यहां पे, ठीक है, तो उसका कितने सबसेट होंगे, राइट। कोई भी एक सेट है, यहां पे एक सेट है बी जिसके एलिमेंट है वन, है ना बेटा, नंबर ऑफ पी है, मतलब यहां पे वन नंबर ऑफ बी सेट, ठीक है। ऐसा एक एलिमेंट है, ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो हाउ मेनी सबसेट यू दैट, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, करेक्ट, 2^1 बेटा, है कि नहीं, मतलब एक एलिमेंट है अगर 2^1 मतलब उससे कितने सबसेट होंगे, दो, मतलब जो हमारे पास बी सेट है अगर उससे मैं सबसेट लेना चाहूं, मतलब सबसेट राइट ऑफ सेट बी, तो कितने होंगे बेटा, 2^1 मतलब 2 होंगे, समझ में, दो सबसेट होंगे। अब हमें बताए कोई भी एक सिंगल होता है, एक एलिमेंट है, सेम एग्जांपल दे रहा हूं 1, ठीक है, उससे कितने सबसेट होंगे, तो डेफिनेटली बोलोगे सर दो, क्यों, एक तो 5 सेट तो ऑलवेज आता ही है नमूना, हमेशा बैठा ही होता है भी नहीं, और दूसरा वो यहां पे 1 है तो वो भी आ जाएगा, मतलब ये दो सबसेट होंगे, होंगे कि नहीं बेटा। सिमिलरली यहां पे आप देखो, राइट, तो ये एक एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है ये ऑलरेडी, राइट, इसको 1 ही सपोज करो, तो इससे जो सेट बी है उससे कितने सबसेट होंगे बेटा, दो, एक तो 5 एंड दूसरा इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब क्या होगा, वो भी सेट में होगा जो हमारे पास है, समझ में आया फंडा, तो इसको वापस आप सेट में डाल दोगे तो ये क्या मिला आपको, पावर ऑफ बी, राइट, पावर सेट ऑफ बी, राइट, और उससे कितने एलिमेंट मिले बेटा, दो एलिमेंट है कि नहीं, समझ में आया, इट्स सो इजी, राइट, जिसको समझ में आया और एक बार बता दूं बेटा, तो ये भी एक डब्बा, जैसे मैं वो बर्थडे वाला बोला वही मैं यहां पे वापस ला रहा हूं, एक खाली डब्बा है, ठीक है, एक खाली डब्बा है, अब क्या बोलोगे कितने डब्बे हैं, 1 डब्बा है भाई, राइट, मैं पीएम बोल रहा हूं ते डब्बे के अंदर डब्बा है तो दोनों खाली नहीं, क्यों, क्योंकि ये वाला जो अंदर वाला है वो खाली है, जो बाहर वाला है वो खाली नहीं है, क्यों, डब्बे के अंदर डब्बा है, मतलब इसके अंदर एक डब्बा तो है भले वो खाली है, नहीं, समझ में आया, तो जो स्टार्टिंग में हमारे पास सेट था वो कैसा था, नल सेट, नल सेट मतलब नो एलिमेंट, मतलब खाली डब्बा ये रहा, बट जैसे ही हमने उसको दूसरे डब्बे के अंदर डाल दिया तो जो वो खाली डब्बा था बड़ा वाला वो भी भर रहा एक एलिमेंट के साथ, ये रहा एक एलिमेंट, है भी नहीं, समझ में आया। अब उसको वापस आप डब्बे में डालोगे बेटा, है ना, तो देखो बेटा ये जो बड़ा डब्बा है उसके अंदर कितने डब्बे होंगे, दो होंगे, एक एंड दो, समझ में आया नहीं है, क्लियर, डब्बे के अंदर डब्बा वाला, तो सिमिलरली यहां पे, ओके, पावर ऑफ बी हमें मिल गया ये वाला, राइट, ये पूरा मिल गया पावर ऑफ बी, ठीक है। इसको मैं सपोज कर लेता हूं सी सेट, क्या सपोज कर रहा हूं बेटा, सी सेट, यहां पर कोई कंफ्यूजन, ओके, मतलब पावर ऑफ बी, ये बी सेट है ना बेटा, ये रहा पावर ऑफ बी, इस पूरे को मैंने क्या सपोज कर लिया सी, मतलब अब मुझे क्या चाहिए, पावर ऑफ सी सेट, मतलब वही हमारा फाइनल आंसर होगा, होगा कि नहीं बेटा, पावर ऑफ ए हमने पहले निकाल लिया जिसको मैंने बी सपोज किया, पावर ऑफ बी हमने निकाल लिया, कितने एलिमेंट मिले बेटा, दो एलिमेंट, जिसको मैंने ले लिया सी, अब पावर ऑफ सी चाहिए, ठीक है, ओके, तो सी में कितने एलिमेंट है बेटा, यहां पे देखो ध्यान से, दो, उसका पावर चाहिए मतलब सबसे, तो ये चीज बताओ बेटा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सी, सेट सी, राइट, कितने होंगे नंबर ऑफ सबसेट बेटा, कितना एलिमेंट है सी में, पहले ये बताओ मुझे, 1 एंड 2, दो एलिमेंट है बेटा, है कि नहीं, देखो ये रहा, है ना, दो डब्बे, तो कितना होगा, हमें पता है 2^2 मतलब 4 एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे बेटा,
फोर मतलब चार सबसेट होंगे, तो हमें पता है जितने सबसेट होते उतने कैसे होते एलिमेंट, मतलब यहां पे जो पावर ऑफ हमें सी मिले था उसका अगर हम नंबर निकालेंगे तो वो भी कितने आएंगे बेटा, फोर है कि नहीं। फिर भी अगर आप उसको लिखना चाहो सबसेट के रूप में तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं वो देखो जरा ध्यान से। पहले तो राइट इसको आप सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए बेटा, इसको वन ले लो इसको टू ले लो थोड़ी देर दिमाग में, ठीक है। ये क्या है बेटा वन, ये क्या है टू, ओके। तो पहला तो सेट क्या आया था बेटा, दैट इज नल सेट, कोई भी एलिमेंट हो नल सेट तो हमेशा होता ही। उसके बाद क्या आया था, वन आया था सेट में, बिकॉज हम पावर सेट लिख रहे हैं, है कि नहीं, सबसेट के रूप में ये रखते था वन है तो उसमें वन ही लिखते हैं ना बेटा सबसेट में। अब वैसे वन कॉमा टू है, ये टू है बेटा तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा टू, यहां पे फाइव है सॉरी बेटा राइट फाइव सेट में, यहां पे ये टू है बेटा तो उसको भी हमने सेट में लिख दिया, मतलब सेट में आ गया टू, समझ में आया फंडा। और लास्ट में दिया आएगा बेटा यहां पे दो एलिमेंट है तो वो दोनों साथ में भी आते हैं, फाइव पहले नल सेट फिर इंडिविजुअली दोनों एंड दोनों कंबाइन, कंबाइन मतलब फाइव और दूसरा आएगा सेट ऑफ फाइव, उसको भी ब्रैकेट में सेट में डाल दिया, मतलब हो गए चार एलिमेंट बेटा वन टू थ्री फोर। इसको पूरे तो सेट में आप डालोगे तो वो बन गया पावर सेट ऑफ सी, मतलब फाइनल हमारा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मिले उसमें बेटा फोर, मतलब फोर इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक चला भाई राइट जिन तो पहली बार में समझ में नहीं आया तो ही बात नहीं बेटा राइट, आप उसको वापस रिवाइंड करते देखो, अगर जरूरत है तो मुझे कॉल करो तो ही बात नहीं। बट हाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो तो उतना दिमाग आपका तेज होता जाएगा और वही मुझे करना है, ठीक है। आई रिपीट इट अगेन और एक बार मैं समझा दूं बेटा, उसके बाद हम फिनिश करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक सेट है हमारे पास जो नल सेट है उसका पावर हमें अगर सिर्फ एक पावर फाइंड आउट करना हो पी ऑफ ए बेटा तो कितना आएगा, इससे पहले हमने कर लिया था वन एलिमेंट आता है ना, बिकॉज बिकॉज नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या बेटा टू रेस टू पावर एन, मतलब से सपोजन जीरो भी है अगर एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो मतलब नल सेट भी है तो उसका एक सबसेट तो डेफिनेटली होगा दैट इज टू रेस टू पावर जीरो मतलब वन, एक एलिमेंट तो होता ही है ना, नंबर ऑफ सबसेट वन मिनिमम होता है कोई भी सबसेट मतलब वो खाली भी क्यों ना हो, मतलब पी ऑफ ए में कितना मिले था वन। अब हमें पता है कोई भी वन एलिमेंट हो बेटा और उसका वापस पी ऑफ फाइंड आउट करना हो मतलब पावर, एक एलिमेंट था वापस पावर तो क्या आएगा टू रेस टू पावर वन आएगा बेटा, मतलब कितने एलिमेंट होंगे यहां पे दो, यहां तक समझ में। अगर आप ये भी नहीं देखते हो डायरेक्टली दिमाग में भी करते हो तो भी आपसे हो सकता है बेटा, पावर मतलब क्या होता है टू रेस टू पावर के फॉर्मूले में, ठीक है। पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट थे जीरो मतलब टू रेस टू पावर जीरो मतलब इसका आंसर आया वन। अब पावर ऑफ वन एलिमेंट मतलब टू रेस टू पावर वन, टू रेस पावर वन मतलब टू मतलब इसका आंसर क्या आया बेटा टू। पावर ऑफ टू एलिमेंट मतलब टू रेस टू पावर टू मतलब डायरेक्ट आंसर फोर, आ गया दिमाग में बेटा राइट। तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती बिकॉज ZLM में मेथड का कोई इंपोर्टेंस नहीं होता है दिन या तो मेथड नहीं दिखानी होती राइट, डायरेक्ट आंसर चाहिए, कौन सी ट्रिक्स आप यूज करते हो इट्स अप टू यू बट आंसर करेक्ट होना चाहिए, समझ में आ गया फंडा बेटा। पी ऑफ ए वन बिकॉज टू रेस टू पावर जीरो, पावर ऑफ वन एलिमेंट मतलब टू रेस पावर वन मतलब टू, एंड पावर ऑफ टू एलिमेंट मतलब टू रेस पावर टू मतलब फोर इज द करेक्ट आंसर। प्लीज इसको बहुत ही अच्छी तरह संभालते लिख लेना नोट्स में, ओके बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरवल्स। एक्चुअल में ये जो टॉपिक है वो हमें दूसरे चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरह यूज होने वाला है और हम डिटेल में राइट उसको हम जाएंगे। जैसे आपने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी बेटा जिसमें आप इक्वल टू जीरो लेते थे, वैसे कोई भी इक्वेशन में इक्वल टू थी ज्यादा ग्रेटर देन लेस देन सब आ सकता है राइट, वो हम डिटेल में उस चैप्टर में करेंगे राइट जो अभी कंटिन्यूस में आने वाला है राइट। बट अभी के लिए फिलहाल हाँ आपके टेक्स्ट बुक में दिया है इसलिए मुझे अभी करवाना पड़ रहा है राइट, वरना उसी टाइम हम डिटेल में करेंगे, अभी जितना टेक्स्ट बुक में दिया है उस हिसाब से मैं बेसिक करवा रहा हूं तो डिटेल में नहीं जा रहा हूं इस टॉपिक में, वरना हम डिटेल में जाएंगे पूरा चैप्टर है इस टॉपिक को करने के लिए, ठीक है।
बट हाँ, जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं तो उनको ऐसा ना लगे कि ये टॉपिक सर ने उड़ा दिया है ना, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी बता दो बेटा, इंटरवल्स हमें पता ही है, राइट? इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर, आर मतलब रियल नंबर, वेयर ए एंड बी दो एलिमेंट ले रहा हूं, राइट, बिलोंग्स टू आर, वेयर ए इज लेस देन बी, ठीक है। तो उसको कैसे लिखा जाता है वो सिर्फ आपको अभी जानना जरूरी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। मतलब टेका एग्जांपल, इट सेट है बेटा, राइट, एच सच दैट ए लेस देन एच लेस देन बी, मतलब जो हमारे पास एक एलिमेंट है, जो नंबर है वो ए से बड़ा है बट बी से क्या है, छोटा है बेटा, ए से बड़ा बट बी से छोटा। तो दोस्तों सॉरी, ओपन इंटरवल बोलते, क्या बोलते बेटा, ओपन इंटरवल, और उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, ए कोमा बी, ठीक है। मतलब टेक द एग्जांपल बेटा, तो मैं आपको बताऊं बेटा, ऐसा नंबर है जो 4 से बड़ा है बट 6 से छोटा है, राइट, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा, 4, 6, समझ में आया? सो इसे बेटा हमें पता ही चल जाता है, अगर यहाँ पे x नेचुरल नंबर होता तो डेफिनेटली आंसर भी आ जाता 5 आ जाता ना बेटा, बट यहाँ पे रियल नंबर की बात करें तो बहुत सारे नंबर आ सकते हैं रियल नंबर में 4 एंड 6 के बीच में, दैट वी नो इट, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ओपन इंटरवल बेटा, राइट। बट अगर दोनों जगह राइट लेस देन जो साइन है उसकी जगह इक्वल टू भी आ जाए, मतलब ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, राइट, तो उसको क्लोज इंटरवल बोला जाता है, मतलब दोनों तरफ इक्वल टू की साइन अगर आए तो उसको क्लोज इंटरवल बोला जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा ऐसे, ए कोमा बी क्लोज ब्रैकेट बोथ द साइड। जैसे यहीं पे अगर ऐसा आ जाए राइट, 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 6, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एनी कंफ्यूजन बेटा, ओपन इंटरवल क्लोज, उससे बात आता है वन साइड ओपन एंड वन साइड क्लोज, मतलब यहां पे आप देख सकते हो ए की तरफ इक्वल है बी की तरफ नहीं है, मतलब ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग क्या बेटा ए बट एक्सक्लूडिंग बी, मतलब ए की तरफ देखो इक्वल टू दी साइन है, मतलब क्लोज ब्रैकेट, और बी की तरफ ओपन ब्रैकेट, डन। वैसे अगर बी की तरफ इक्वल हो बेटा और ए की तरफ इक्वल ना हो तो ए की तरफ ओपन ब्रैकेट बी की तरफ क्लोज ब्रैकेट आएगा, समझ में आता है बेटा, थोड़ी कंफ्यूजन। ओके, और एक चीज बेटा, लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल, मतलब ये चारों में से कोई भी इंटरवल हो बेटा, ओपन हो क्लोज हो वन साइड ओपन वन साइड क्लोज हो तो भी राइट, अगर उससे हमें लेंथ चाहिए उस इंटरवल की तो ऑलवेज उसके लिए फॉर्मूला आएगा बेटा बी माइनस ए, क्या आएगा बेटा बी माइनस ए, कोई कंफ्यूजन बेटा एनीवन। हाँ, और एक चीज, दूसरा टॉपिक शुरू करने से पहले, कि जो भी इनफाइनाइट होता है बेटा, से माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, हमें पता है इनफाइनाइट की साइन है बेटा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब कंटिन्यूअसली चलता रहता, आप उसको बंद नहीं कर सकते क्लोज नहीं कर सकते, इसलिए इनफाइनाइट में हमेशा ओपन की साइन आएगी, ये चीज आपको जो इसके अंदर नहीं था इसलिए मैंने बता दिया, जो कि ये चीज मैं डिटेल में बताने वाला उस चैप्टर में, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट अगर है, या तो सपोजन से जीरो से इनफाइनाइट है राइट, मतलब जीरो की तरफ नॉट इक्वल है तो क्लोज ब्रैकेट आएगा, अगर जीरो की तरफ क्लोज है राइट, मतलब इक्वल टू द साइन है तो क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है, अगर इक्वल टू द साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आएगा, समझ में आया। बट जो इनफाइनाइट है बेटा वहां पे ऑलवेज ओपन की ही साइन आएगी, मतलब ओपन ब्रैकेट ही आएगा, क्लियर, कोई कंफ्यूजन बेटा, राइट, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, और इस बेस पे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है वही अभी आपके स्क्रीन पे आएगा और ट्राई कर लेना, अगर नहीं आता तो मुझे बताना, ठीक है, प्लीज राइट डाउन। अवर नेक्स्ट कौन सा बेटा, यूनिवर्सल सेट, नाम से ही पता चल जाता है यूनिवर्सल, मतलब जिसमें सारा आ जाता है भी नहीं, तो इमीडिएटली पता चल जाएगा भाई हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं राइट, उसमें सारी कॉलेज वैसे यूनिवर्सल हमारे, मतलब सारे अर्थ मार सब उसमें आते हैं ना, तो यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें सारा आ जाता है नहीं। कहता एग्जांपल राइट, एक मेरे पास सेट ए है जिसमें 1, 2 है, सेट बी है जिसमें 3, 4, 5 ले रहा हूं बेटा, एंड सेट सी है राइट जिसमें 6 और इतना रिपीट ले लेते थे ना 5, 6, 7 है, चलो। तो अगर मुझे इसका यूनिवर्सल सेट चाहिए, यूनिवर्सल को डिनोट किया जाता है यू से बेटा,
यूनिवर्सल सेट मतलब जो भी एलिमेंट है आप जितने भी सेट अलग अलग है आप उसमें वो आ जाने चाहिए। मतलब कहां से शुरू होगा बेटा, वन से, तो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव और बराबर है तो रिपीट करने की जरूरत नहीं, पता है ना रूल सेट का। हाँ तो सिक्स एंड सेवन मतलब ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट ऑफ दिस सेट, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ में बेटा यूनिवर्सल सेट हमें दिया ही जाता है क्वेश्चन के अंदर, बट लक बाय चांस से आपको जरूरत हुई और निकालना हुआ राइट, तो ऐसे ट्राई करना है बेटा कि जो भी सेट हो राइट उससे जितने भी एलिमेंट हो वही हमें लेने हैं, उसके अलावा नहीं, ठीक है। बट 99% क्वेश्चन में ही यूनिवर्सल सेट दिया जाता है बिकॉज रेंडमली दिया जाता है, मतलब ये तीन सेट है तो आपको सामने से दिया जाता है तो यूनिवर्सल सेट क्या 1 टू 10 होगा, 1 2 3 10 होगा कि नहीं, अगर क्वेश्चन ऐसा दे तो यस है बिकॉज ये सारे एलिमेंट इसमें आ ही रहे, मतलब ये तो यूनिवर्सल सेट हम बोल सकते हैं राइट, क्वेश्चन में पूछा है इसलिए, क्लियर फंडा। बट अगर हमें अपने आप बनाना है, हमें कोई भी माइंड भी जरूरत हुई तो हमें जितने भी एलिमेंट है उसके हिसाब से हम बनाएंगे, क्लियर फंडा। थोड़ी कंफ्यूजन होते, चलो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं उसका मुझे सेट बताना, ठीक है। एच सेट ए है आइसोसेलेस ट्राइंगल, सेट बी है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, एंड सी है इक्विलैटरल ट्राइंगल राइट, तो इसका आंसर दिया है बेटा, सो इजी अ सेट ऑफ ट्राइंगल्स। तो हमें पता है सारे जो तीनों अलग अलग सेट है वो किसमें आते हैं, ट्राइंगल्स में आते हैं, तो मेन उसका क्या हुआ ट्राइंगल, फिर उससे हमने सब टाइप बनाए हुए हैं, है आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल के हिसाब से एक्यूट ऑब्ट्यूस, समझ में आया फंडा। मतलब जो उसका मेन होता है वो होता है हमारा यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर वो सारे आ जाने चाहिए, समा जाने चाहिए, जिसे हम बोले शॉर्ट में, समझ में आ गया, सो इजी राइट। यूनिवर्सल मतलब हमारा गॉड बोल सकते हो, है ना, यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे आ जाए, टोटल फंडा क्लियर। ओके अभी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा तब तो बताना है राइट, दूसरा यूनिवर्सल सेट में वो कौन सा सही होगा, ठीक है, बता पाओगे इजीली। ओके कंटिन्यू विद द नाउ मेन टॉपिक राइट, हमारा आ गया है इस चैप्टर का, दैट इज वेन डायग्राम। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हो राइट, तो इसी पे आते हैं, मतलब वेन डायग्राम उससे बात आता है, ऑपरेशन सारे उसी पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही हमारा इस चैप्टर का मेन जो सबसेट था, वैसे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम के बारे में जानेंगे बेटा। मोस्ट ऑफ जो रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन द सेट्स राइट, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ डायग्राम, मतलब जो भी सेट के बीच मतलब कोई भी रिलेशन है अगर उसको हम डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है वेन डायग्राम, समझ में आया, क्या बोला जाता है वेन डायग्राम। चलो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सेट ए ले रहा हूं राइट, दैट इज 1, 2 एंड 3, ठीक है। दूसरा सेट ले रहा हूं बी बेटा, दैट इज 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। यूनिवर्सल सेट गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, मतलब चलो ये क्वेश्चन में गिवन एक नहीं चीज है, मतलब सेट ए ठीक है, सेट बी एंड यूनिवर्सल सेट गिवन है राइट, इसको रिप्रेजेंट करो इन द डायग्राम फॉर्म में, मतलब वेन डायग्राम में आप इसको रिप्रेजेंट करो। तो यूजुअली बेटा जो भी यूनिवर्सल सेट होता है राइट, उसको रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे बेटा रेक्टेंगल में, देखो आप डायग्राम में देख सकते हो ये है यूनिवर्सल सेट, जिसको मैंने यू देखो यहां पर दिख रहा बेटा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट तो हम एजुअली रेक्टेंगल शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो भी हमारे उससे सबसेट होते हैं यूनिवर्सल है उससे सबसेट है बेटा, उसको हम जनरली सर्कल से डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं सर्कल से। तो अब ध्यान से देखो ये था रेक्टेंगल, मतलब यूनिवर्स इसमें 1 टू 10 सारे एलिमेंट है। अब करना कैसे रिप्रेजेंट वो ध्यान से देखो, पहले तो आपको रेक्टेंगल शेप बना देना है, ठीक है, मतलब यूनिवर्सल लिखना नहीं है बेटा कुछ भी, क्लियर। अब क्या करना, कितने सेट है बेटा, दो सेट है। अब पहले तो ये देखना है कि दो सेट है ए एंड बी, मतलब दो सर्कल बनेंगे, बट वो सर्कल ड्रॉ करने से पहले आपको क्या करना है बेटा, चेक करना है कि कहीं ना कहीं कुछ इक्वल है क्या। तो यहां पे ध्यान से देखो 1, 2, 3 है, यहां पे क्या बेटा 3, 4, 5, 6, मतलब 3 एक ऐसा एलिमेंट है
जो बी में भी है और ए में भी है, मतलब दोनों में कॉमन है। जब भी दोनों में कॉमन हो बेटा राइट, तब उसको हमें इंटरसेक्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इंटरसेक्ट। से एग्जांपल यहां पे बी में थ्री नहीं होता, मतलब ए जो होता बेटा उससे एलिमेंट होते से सपोजन वन टू एंड थ्री, जो बी है उससे एलिमेंट होते फोर फाइव एंड सिक्स। अगर ऐसा होता तो ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट नहीं होते, तो क्या होता? ऐसा होता बेटा राइट, ये सर्कल अलग बनता और वो सर्कल, मतलब अगर ये सर्कल बन गया बी तो दूसरा ए यहां पे होगा ऐसे, ये ए यानी बी, मतलब दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। समझ में? बिकॉज यहां पे वन टू थ्री और यहां पे है फोर फाइव सिक्स, ठीक है, बट यहां पे थ्री कॉमन था इसलिए हमने दोनों को इंटरसेक्ट करवाया। अब लिखना कैसे बेटा? अब जो ए है उसके अंदर वन टू एंड थ्री तीन एलिमेंट है राइट, और इसमें थ्री फोर फाइव सिक्स, मतलब दोनों में थ्री कॉमन है, तो पहले तो मैं थ्री लिख दिया, जो दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट है बेटा वहां पे थ्री लिख दिया, इसलिए अब देखो आपको दिख रहा है थ्री इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, है कि नहीं? उसके बाद जो इंडिविजुअल एलिमेंट है, मतलब जैसे वन टू सिर्फ ए में है तो ए में लिख दिए, वो कहीं पे बी में नहीं है, है ना बेटा। सिमिलरली फोर फाइव सिक्स कहां पे है? बी में है, तो मैंने वो लिख दिया फोर फाइव सिक्स। समझ में आया फंडा? अगर इसकी बात करें वन टू थ्री एंड फोर फाइव सिक्स थी, तो यहां पे मैं लिख देता वन टू थ्री, इसमें रेंडमली लिख देता फोर फाइव सिक्स, डन, बिकॉज इसमें कोई कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं है। समझ में आया? अब देखो टोटल यूनिवर्सल सेट में कितने थे बेटा? वन टू टेन थे, यूज कितने हुए? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, मतलब चार और बच गए, सेवन एट नाइन टेन, जो सेट में नहीं है बट यूनिवर्सल में तो है, तो उसको हमें सेट से बाहर, मतलब सर्कल से बाहर लिखना पड़ेगा, कहीं पर भी रेक्टेंगल के अंदर, रेक्टेंगल के बाहर नहीं, बिकॉज वो रेक्टेंगल है वही यूनिवर्सल सेट है। तो ये जो 7, 8, 9, 10 है इसलिए मैंने लिख दिया रेक्टेंगल के अंदर, कहीं पर भी लिख सकते हो, यहां पे लिखो यहां पे यहां पे यहां पे, डजंट मैटर, बट ना वो सर्कल के अंदर होने चाहिए ना रेक्टेंगल के बाहर। समझ में आया फंडा? इट्स सो इजी बेटा राइट, वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना राइट, जो भी आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा उसको आप रेक्टेंगल में ड्रॉ करोगे, उससे जो भी सबसेट है जितने भी है, यहां पे दो ही थे वैसे, तीन हो चार हो जितने भी क्यों ना हो बेटा राइट, उसको आप अंदर रिप्रेजेंट करोगे सर्कल से, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करने से पहले आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या दोनों में कुछ कॉमन है क्या, अगर है तो दोनों को आप इंटरसेक्ट करवाओगे, अगर कॉमन नहीं है तो दोनों तो अलग अलग लिख लोगे, ठीक है। अगर इसको मैं फाइनल लिखना चाहूं तो ये है यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो बचे कितना बेटा 7, 8, 9, 10, तो उसको भी आप 7, 8, 9, 10, डन, तो ये भी परफेक्ट पैकेट हो गया इस क्वेश्चन के लिए, मतलब से ए हो बी हो और ये यूनिवर्सल सेट हो। तो ये कंफ्यूजन बेटा किसी को भी वेन डायग्राम में, श्योर? ओके, तो अब हम शुरू कर रहे हैं मेन ऑपरेशन सारे, ठीक है। देखते हैं टाइम पे, टाइम इंटरवल के हिसाब से आज हम कितना ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू हिसाब से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले दो जो मेन ऑपरेशन होते हैं जिसको बोला जाता है यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है, वो शुरू करने से पहले प्लीज आप इतना पहले अच्छी तरह नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बेटा ऑपरेशन ऑन सेट राइट, जो मैंने बोला हम दो करेंगे यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तो चलो ये दोनों क्या है बेटा पहले तो ये समझते हैं। The union of A and B is the set of all those element which belong either to A or to B or to both A and B. मतलब union का मतलब ये होता है, अगर दो सेट है हमारे पास A and B, तो A ते जो सारे एलिमेंट है और जो B ते भी सारे एलिमेंट है, या जो दोनों ते कंबाइन है वो भी सारे उसमें इंक्लूड होंगे। जैसा मैंने प्रीवियस हमने अभी जो क्वेश्चन किया था वेन डायग्राम में बेटा राइट, उसमें हमने सेट ए दिया लिया था बेटा वन टू एंड थ्री, ठीक है, बी सेट दिया लिया था बेटा हमने थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ठीक है, एंड यूनिवर्सल सेट हमने दिया लिया था बेटा दैट इज वन टू थ्री डॉट 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 टेन तक था, ठीक है बेटा, पूरा नहीं लिख रहा हूं। तो अगर मुझे यूनियन निकालना है ए एंड बी का, यूनियन तो रिप्रेजेंट किया जाता बेटा इससे ए यूनियन बी राइट, और जो इंटरसेक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है उल्टा, मतलब ऐसा समझना, यह है यूनियन यह है इंटरसेक्शन,
तो हमारे पास यहाँ पे दो सेट है ए एंड बी, उसका हमें यूनियन एंड इंटरसेक्शन निकालना है। यूनियन मतलब क्या बोला बेटा, इधर टू ए, मतलब ए पे भी सारे एलिमेंट, मतलब ए पे एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, और टू बी मतलब बी पे भी सारे, मतलब 3 आ गया। तो दूसरी बार नहीं लिखना है बेटा, मत भूलना, पता है ना रूल, रिपीटेशन नहीं होता है। मतलब यहाँ पे आएगा 4, 5, 6 और टू बोथ ए एंड बी, ए एंड बी का कॉमन वो भी 3 लिखी दिया है ऑलरेडी। तो ये जो बना बेटा 1, 2, 6 राइट, दैट इज नोन एज ए यूनियन बी। समझ में आता है बेटा, सो इजी, दोनों का कंबाइन कर देना। इंटरसेक्शन मतलब वो पता है ना, डायग्राम से पता, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पे देखो ए में 1, 2, 3, बी में 3, 4, 5, 6 कॉमन दिया बेटा ओनली 3, तो उसका इंटरसेक्शन होगा बेटा 3। आता है वैल्यू में लिखना बेटा, राइट, ए एंड बी अगर दो सेट दिवन है, यूनियन मतलब दोनों के कंबाइन, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख दिया राइट, दोनों के मतलब पूरा सारे लिख डालने, और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, सिर्फ इन दोनों में कॉमन क्या है 3, तो 3 लिख दिया, सो इजी बेटा। बट हाँ, अगर हमें इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसा कर सकते हो यूनियन एंड इंटरसेक्शन, तो चलो वो जरा देख लो राइट। मतलब मैं यहाँ पे तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, मतलब वो क्या होगा बेटा, यूनिवर्सल होगा, ठीक है। यहाँ पे दो सेट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ए एंड बी सेट, ठीक है, दोनों में 3 कॉमन है बेटा, मतलब मुझे इंटरसेक्शन तो बनाना पड़ेगा। समझ में आया बेटा, कोई कंफ्यूजन? ओके, अगर मुझे इंटरसेक्शन तो रिप्रेजेंट करना हो इसमें, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो सिर्फ इतना ही शेडेड पार्ट होगा बेटा। समझ में आया कि नहीं? इतना ही सेडेड पार्ट होगा ये, इसलिए होगा बेटा इंटरसेक्शन। मतलब अगर ए एंड बी दो सेट है तो उससे जो भी इंटरसेक्शन जो एलिमेंट होंगे वो इसमें आएंगे, ठीक है, ये हुआ इंटरसेक्शन। अगर यूनियन को रिप्रेजेंट करना है तो ए पूरा बी पूरा एंड उसका कॉमन पार्ट भी सेडेड हो जाएगा। मतलब छोटा सा यहां पर बना रहा हूं बेटा, ये रेक्टेंगल मतलब ये हुआ यूनिवर्सल बेटा राइट, मतलब दो सेट ए एंड बी, अगर हमें यूनियन के लिए चाहिए बेटा तो पूरा सेडेड हो जाएगा, मतलब ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, और जो अंदर है इंटरसेक्शन वो भी हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा सेडेड। तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ यूनियन था इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम, और ये हुआ इंटरसेक्शन के लिए। समझ में आ गया बेटा, और ये हो गया यूनियन के लिए, ठीक है। एनी कंफ्यूजन बेटा वेन डायग्राम में रिलेटेड टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन? यूनियन मतलब उसमें सारे आ जाते हैं, ठीक है, और इंटरसेक्शन मतलब क्या होगा बेटा, दोनों का जो सिर्फ कॉमन है वही आप तो लिखना है। समझ में आया? ओके, और एक क्वेश्चन अभी हम करेंगे राइट, उससे पहले छोटा सा चीज बता दो बेटा, से सपोजन मेरे पास एक सेट है सी, कौन सा सेट है बेटा सी, जिसमें है 1 एंड 2 एलिमेंट। एक सेट डी है बेटा मेरे पास जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, चलो एक सेट सी है बेटा जिसमें एलिमेंट है 1, 2, एक सेट डी है उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, तो मुझे बताओ बेटा अगर ऐसा हो दो सेट और मुझे उसका यूनियन चाहिए, क्या चाहिए बेटा यूनियन, तो मुझे क्या मिलेगा बताओ तो जरा, करेक्ट, 1, 2, 3, 4 मतलब डी मिल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ बेटा, क्योंकि जो सी है उसके सारे एलिमेंट ऑलरेडी इसमें है, इन शॉर्ट सी इज द सबसेट ऑफ डी, है कि नहीं बेटा, सबसेट ही हुआ ना ये। तो जब भी ऐसा हो तब जो बड़ा वाला होता है वही तो वही आंसर होता है, या फिर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन पूछूं इंटरसेक्शन मतलब तो मन तो क्या आएगा 1, 2 मतलब तो क्या आंसर आएगा सी। समझ में आ गया, दिस इज द डाउट। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम इंटरवल के हिसाब से बेटा हमें बिकॉज ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू का करना जरूरी होता है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने किया था, इसमें भी और एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया, बट जाने से पहले एक क्वेश्चन और जेडब्ल्यू का कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आज का वीडियो फिनिश करते हैं, क्लियर। तो पहले जल्दी से लिख लो, तब तक मैं लास्ट क्वेश्चन आज का जेडब्ल्यू का लिख डालता हूं। कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन जेडब्ल्यू स्पेशल राइट, एक्स गिवन है, वाई गिवन है, दोनों सेट गिवन है, आपको उसका इंटरसेक्शन लाना है कि क्या होगा, ठीक है, क्या आंसर एक्स आएगा, क्या वाई आएगा, क्या नल सेट, या इसमें से एक भी नहीं, ट्राई कर सकते हो।
ट्राई करते जल्दी से राइट, वीडियो को पॉज करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में आंसर डेफिनेटली डालना, ठीक है। ओके तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन एंड लेट्स चेक इट आउट कितने स्टूडेंट्स का ये आंसर सही है। आई होप आपने सबने ईमानदारी से दिया होगा, है ना। सबसे पहले एक्स एंड वाई दोनों में सेट लाइन होंगे और मैंने ट्रिक बताई थी बिकॉज ऐसा वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है बेटा। तो क्या करना है आपको, एक्स की वैल्यू एम की वैल्यू नेचुरल नंबर गिवन है, मतलब आपको वो सेट फाइंड आउट करने है कि नहीं बेटा। तो पहले वन पुट करो तो 8 - 7 - 1 मतलब कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। देन टू पुट करो 8 + 64 - 14 - 50 - 1 मतलब कितना आएगा, 49 बेटा। राइट, एन की वैल्यू 3 पुट करो बेटा तो 8 - 512 - 7 - 21 - 1 मतलब आंसर कितना आएगा बेटा, 490। लाइक वाइज चलता ही रहेगा, 3 काफी है ना। चलो वाई निकालते हैं वैसे ही, व्हाट इज दैट, पहले 1 पुट करो 1 - 1 - 0 मतलब 0 आया है कि नहीं बेटा। दूसरा 2 - 1 - 1 मतलब कितना आया, 49। चलो 3 पुट करो तो 98। लाइकवाइज मतलब आप तो दिख रहा है बेटा, 49 × 1, 2, 3, 4 मतलब ये क्या हुआ, 49 था मल्टीपल। राइट, मतलब टेबल ही हो गया, मतलब 49 10 जाता रहूंगा तो कहीं पे रास्ते में बेटा 490 आएगा, आएगा ना रास्ते में, फिर अगर कंटिन्यू चलता रहेगा डॉट 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 मतलब 0 49 490। वैसे यहां पर जो भी आ गया था टर्म वो यहां पे होने ही वाला है, मतलब x से जो सारे एलिमेंट है वो y में है, बट y के सारे एलिमेंट x में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, x इज अ सबसेट ऑफ y। और इससे पहले मैंने आपको बताया बेटा कि अगर कोई भी दो सेट है, से a सेट a है 1, 2 एंड दूसरा सेट है b 1, 2, 3, 4 मतलब ध्यान से देख सकते हो a के सारे एलिमेंट b में है, इट मीन्स ए इज द सबसेट ऑफ बी। जब भी ऐसा हो और इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन निकालते हो बेटा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बेटा, 1, 2 ही आएगा, 1, 2 क्या है ए, राइट, मतलब इसका आंसर क्या आएगा ए, है ना। तो यहां पर भी एक्स एंड वाई दो सेट है, एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई, तो छोटा कौन सा है बेटा एक्स, तो वो उसका क्या होगा इंटरसेक्शन, मतलब अवर करेक्ट आंसर इज एक्स। बट से सपोज हम बेटा यहां पे यूनियन होता राइट, तो क्या होता, मतलब एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई, क्वेश्चन में ये होता एक्स यूनियन वाई क्या आएगा आंसर, राइट। तो आप ध्यान से देखो बेटा, ए बी दो सेट है, अगर समझे यूनियन चाहिए, सो व्हाट आई दैट बेटा, ए यूनियन बी दैट इज 1, 2, 3, 4 मतलब विच इज इक्वल टू बी, मतलब बी बड़ा है इसलिए, बिकॉज ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसलिए जो बी बड़ा है वो हमारा आंसर होगा यूनियन का। तो यहां पर भी वैसे बेटा एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई, अगर मुझे उसका यूनियन चाहिए तो आंसर क्या आएगा बेटा y, इंटरसेक्शन में आंसर दिया आएगा x, है कि नहीं। था ना बढ़िया क्वेश्चन, बट बहुत इजी था, इसलिए इजी लगा बिकॉज ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया था। जिसका भी आंसर सही हो वेरी नाइस, जिसका गलत हुआ है प्लीज और एक बार अच्छी तरह इसको देख लेना, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं, मतलब आज का लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ दो ही ऑपरेशन किए, अभी बहुत सारे हमें ऑपरेशन करने बाकी है। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना मत भूलना, और अभी तक अगर हमारी चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, जिससे नए से नए वीडियो जो भी आते रहेंगे आपको अपडेट मिलती रहेगी। और डीपीबी का होमवर्क मत भूलना। ऑल द बेस्ट।